nowadays living at a green place is such a dream for everyone, which cannot be fulfilled for everyone, to be very sure. But yes, we need to change this planet, जिससे कि जो आगे आने वाली हमारी generations है उनको ज़्यादा problem ना हो. And that's why we need EV. We need electrical vehicles in the future, so that हमारी जो generation है वो भी इस पूरे greenery को, जिसको मैं enjoy कर रहा, वो भी enjoy कर सकें. So as we all know that electric vehicles are the future. And that's why आज के हमारे इस video में मैं review करने वाला हूँ Ather 450X की. So before we proceed, hello and welcome to all the viewers on our YouTube channel Bikers Course. So अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do hit that subscribe button और notification bell को भी on कर लीजिए ताकि हम connected रह सकें. And you can also follow me on my Instagram and Facebook page. तो शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि एथर ने इसे दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. एक है प्लस वेरिएंट और दूसरा है स्टैंडर्ड. सो आज हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है. दिस इज प्राइस डेट अराउंड 160,000 के आसपास इसकी प्राइस है. जो प्लस वाला है उसकी प्राइस अराउंड 140,000 है. जो डिफरेंस है जो बहुत थोड़े बहुत ऐसे टॉप स्पीड का डिफरेंस है, जो रेंज है उसका डिफरेंस है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू फ्रॉम द फ्रंट. दिस इज एन ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये. और इसमें 3300 वॉट की बैटरी लगी हुई है और बैटरी इज समथिंग यहाँ कहीं पे लगी हुई है. अभी मैं इंदौर में हूँ और इंदौर में ना यहाँ पर बहुत सारे इसके आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, चार्जिंग आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं. बट यू कैन स्टिल चार्ज दिस व्हीकल एट योर होम एज वेल. और उसके लिए यहाँ पर एक सॉकेट है, यू कैन सी राइट हेयर. और ये हमारे जो घर के जो नॉर्मल सॉकेट होते हैं उनसे भी ये चार्ज किया जा सकता है. वन मोर थिंग विच आई लाइक अबाउट हेयर, अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस स्कूटी कह सकते हैं, स्कूटर कह सकते हैं, कि आप यहाँ से इसको नीचे करके और यहाँ पर अपना आप सामान लाद सकते हैं, कोई भी आपका झोला हो फंसा सकते हैं. दैट इज़ क्वाइट यूजफुल एंड एक्चुअली दैट इज़ यूजफुल फॉर द वुमेन जो जाती हैं बाहर और सामान लेके आती हैं, सब्जी आप लाते हो, कुछ भी सामान लेके आते हो, वहाँ पर आप रख सकते हो. लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो उस चीज़ को और वो फंसा रहेगा तो गिरने का चांस नहीं रहता है. द साइज ऑफ द फ्रंट टायर इज 90x90, 12 इंच की टायर है. और जो पीछे में आपको मिलता है दैट इज 90x90 12 इंचेज. सो इन द फ्रंट एज वेल एज इन द बैक यू गेट द सेम टायर स्पेसिफिकेशंस. MRF के टायर्स लगे हुए हैं. फ्रंट और बैक दोनों में आपको मिलते हैं डिस्क. और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो बैक में जो डिस्क लगा हुआ उस पर कुछ भी ऐसा कोई नेम मेंशन नहीं है. बट यस, व्हेन यू गो टू द फ्रंट यू गेट द स्टैंडर्ड बाइब्रेक. आपको इसमें बाइब्रेक आपको इसमें मिलते हैं, यू कैन सी राइट हियर, बाइब्रेक आपको इसमें मिलते हैं, कैलिपर्स मिलते हैं. एंड बाइब्रेक के कैलिपर्स आर एक्चुअली जो इसकी बाइट है बहुत ही अच्छी है. जब मैं इसको राइड करूँगा तो मैं आपको वो दिखाऊँगा कि व्हेन यू आर एट 60 और 70 बहुत आराम से रुक जाती है. मूविंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट द लाइटिंग सेटअप ऑफ दिस स्कूटर. AHO है ये, ऑल टाइम हेडलाइट ऑन रहेगा इसका. यहाँ पर आपको साइड में दो आईज जैसी दिखती हैं, ये वाइट लाइट है. बट व्हेन यू यूज टर्न इंडिकेटर तो ये अपने आप आधी ब्राइट होने लगती है, यू कैन सी. सो दिस इज़ हाउ दिस लुक्स इन द फ्रॉम द फ्रंट. और मुझे स्पेशली इसकी जो लाइटिंग सेटअप है ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे. सो नाउ मूविंग अहेड, बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में. तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और जो रियर में आपको मिलता है वो मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है. नो दैट इज़ व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस. मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है, प्री लोड पर है ये, प्री लोड एडजस्टेड है ये मोनोसॉक सस्पेंशन. सो नाउ मूविंग अहेड मैं आपको कुछ चीज़ और बता दूँ इसके बारे में. दिस इज़ बेल्ट ड्राइव, चेन्नई है जो. नाउ यू कैन सी द साइज ऑफ द सीट, इट्स वे टू स्पेसियस फॉर टू पर्संस. बहुत ही स्पेसियस सीट थी, मैं अभी पीछे बैठ के आया था इस पर और मुझे बहुत ही स्पेसियस लगी. क्रैम्प बिल्कुल नहीं होता, जब आप चलाते भी हो तो भी नहीं होते हैं. तो फॉर सीट आई वुड लाइक, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द सीट की कूजनिंग और सीट की जो स्पेसियस है, जितना स्पेस है सीट पर उससे आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस. नाउ लेट्स कम बैक टू द इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ द स्कूटी. And right here, you just get a very rich instrument console. This instrument console is very rich. Now, what you get? You get odometer, then you get current ride. कितने किलोमीटर्स आपने चलाए और कितने मिनट आपने चलाए वो भी यहाँ पर दिखाता है. Then you get average speed आपकी कितनी थी, ये स्पीडोमीटर है यहाँ पर, कितनी रेंज बची है आपकी, बैटरी कितना बचा है. And yes, I would like to tell you one thing that चार मोड्स अवेलेबल है इसमें. वन इज इकोनॉमी, अदर वन इज राइड, एंड देन इट्स गो टू स्पोर्ट्स,
एंड देन वॉप वॉप जो मोड है राइडिंग मोड है इसमें आप टॉप स्पीड गेन कर सकते हैं विच इज़ अराउंड 90 किलोमीटर्स 90 kmph है जो इसकी टॉप स्पीड आती है वो वॉप मोड में आपको मिलेगी। आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको चेंज करूँगा तो यहाँ पर रेंज बढ़ती जाएगी पर पावर जो आउटपुट है वो कम होती जाएगी इसकी। तो अगर आप अकेले चल रहे हो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है इको मोड में चलाइए लंबी रेंज मिलती है। अगर आप दो लोग हो तो आप राइड मोड पे इसको चला सकते हो देन यू कैन गो टू द स्पोर्ट। फाइनली जो वॉप मोड है इसमें आप टॉप स्पीड इसकी गेन कर सकते हैं जो इनके ऑनर है उन्होंने मुझे बताया कि इसकी टॉप स्पीड 90 kmph की उन्होंने अचीव करी है 91-92 उन्होंने मुझे बताया एंड इनफैक्ट आई विल ऑल्सो राइड दिस सो विल गेट टू नो एंड यू कैन लाइक सेलेक्ट राइडिंग मोड्स फ्रॉम दिस बटन देयर इज अ डेडिकेटेड बटन फॉर दिस व्हेन यू प्रेस दिस तो वो अपने आप वहाँ पर चेंज हो जाता है यू कैन सी राइट हियर सो दिस इज वेरी गुड आई वुड लव टू ड्राइव इट इन इकोनॉमी मोड और इकोनॉमी मोड की जो टॉप स्पीड है वो 50 के आसपास रहती है। उसके बाद आप राइड मोड पे जाएंगे तो अराउंड 55 और उसके बाद स्पोर्ट्स मोड में 70 के आसपास और जब आप वॉप मोड में जाएंगे तो यू विल टच 90। सो अदर देन करंट राइड व्हेन यू विल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये टच स्क्रीन है कंप्लीट टच स्क्रीन है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट हियर। आप करंट राइड के बाद यू गेट ट्रिप ए एंड देन ट्रिप बी एंड देन द ऑडोमीटर एवरेज स्पीड क्या है सो यू गेट एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्क असिस्ट। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं लेट मी स्टार्ट दिस देन आई विल शो यू कि पार्क असिस्ट का यूज़ क्या होता है कि देर इज नो साउंड लाइक आई वॉज वेटिंग कि कुछ साउंड आएगी जब ये मोटर स्टार्ट होगा बट देर इज नो साउंड। जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर ले तो उसके बाद जब ये पार्क असिस्ट का यूज़ करके आप रिवर्स में एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स आप चला सकते हो इसको रिवर्स में जाती है यू हैव टू एक्सेलरेट और ये अपने आप गाड़ी रिवर्स में जाएगी। सो दिस इज समथिंग वेरी कूल। आप इसको यहाँ से ही बंद कर सकते हो ओके या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से इंजन के का जो स्विच है उसको आप बंद कर दोगे तो वो ऑलरेडी बंद हो जाएगा। नाउ लेट्स ओपन दिस थिंग। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसमें जियो की सिम लगी हुई है ऐसा बताया गया है मुझे एंड राइट हियर यू गेट ऑल द थिंग्स। ये जनरल में कि जो गाड़ी के जो इन्फॉर्मेशन है वो है। सेटिंग्स में आप जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो जैसे यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो यू कैन सी राइट हियर एंड देन आप कौन सी थीम रखना चाहते हो लाइट डार्क या ऑटो। हमने ऑटो पर रखा है जैसे ऑटो पर आप रखते हो तो शाम को अपने आप ये डार्क हो जाता है और दिन में ये ब्राइट रहता है। टर्न इंडिकेटर्स अगर आप साउंड बंद करना चाहते हो पार्किंग असिस्टेंस की जो साउंड है उसको आप बंद करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो एंड देन यू कैन सी राइट हियर देयर ऑटो इंडिकेटर कि जैसे आप अपने लेफ्ट या राइट टर्न ले लिया अपने आप इंडिकेटर्स बंद हो जाते हैं। जो गाइड मी होम लाइट है इसमें यूज़ होता है कि अगर आपने गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद आप चाहते कि एक दो मिनट के लिए लाइट चलती रहे ताकि आप अपने गैराज को बंद करके बाहर निकल सकें तो वो इसमें ये हेल्प करता है। रियल टाइम एफिशिएंसी जो आपको शो कर रहा है ये आप ऑन कर सकते हो। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो वहाँ पर शो नहीं करेगा हमारे मेन मीटर कंसोल पे ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे शो नहीं करेगा कि रियल टाइम एफिशिएंसी क्या है। इनकॉग्निटो मोड वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। एरर्स की बात करते हैं नो एरर्स देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप इसको ऑन करके अपनी मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं एंड राइट हियर यू कैन लाइक सेव योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स सो यू कैन सी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपनी सेव करके रख सकते हैं। सो दिस वॉज नाउ देर इज़ वन मोर वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस यू डोंट इवन नीड टू कनेक्ट योर फोन विद दिस टू गेट द टर्न बाई टर्न नेविगेशन। दिस स्कूटर इट सेल्फ इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। यू कैन सी राइट नाउ ये मेरी जो पोजिशन वो आपको दिखा रहा है कहाँ है और मुझे जहाँ भी जाना मैं चल सकता हूँ। सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड दिस विल कीप ऑन शोइंग कि कितना रेंज आपका बचा हुआ आप कौन सी मोड में बाइक स्कूटर को चला रहे। सो दिस इज वेरी कूल इन फैक्ट लाइक यू कैन इवन सर्च हेयर कि आपको किस जगह पर जाना है। आपको जिस जगह पर जाना है आप यहाँ से लिख सकते हो जहाँ भी आपको जाना है एड्रेस डाल दो एंड फिर उसको ओके कर दो आपको आपका जो नेविगेशन होगा वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ रियली ऑसम एंड एक्चुअली वेरी ऑसम आई एम लविंग दिस थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है लाइक व्हेन यू ओपन द नेविगेशन यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर और अपने आप मेन स्क्रीन पे फिर बाकी जो चीज़ें वो आ जाएंगी। सो दिस इज फीचर रिच दिस इज़ वॉट वी कॉल फीचर रिच एक्चुअली। नाउ लेट्स इसको हम बंद करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ओके सो वी हैव दिस एथर 450X स्टैंडर्ड वर्जन है ये प्लस वर्जन नहीं है एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस ये बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट होती है आपको आवाज़ भी नहीं आएगी इसके स्टार्ट होने की। यू कैन सी कि कोई आवाज़ नहीं आती और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ओके सो लेट्स टेक अ राइड ऑफ दिस स्कूटी और जो जितने भी मैं बाइक से स्कूटर्स की करता हूँ रिव्यू उसमें आपको क्या बैकग्राउंड आवाज़ आती है बाइक्स की उनके इंजन की इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 राइडिंग मोड्स राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन इकोनॉमी मोड एंड यू कैन सी कि कितनी अच्छी पुल करती है स्कूटी बहुत ही अच्छे से पुल कर रही है कोई परेशानी नहीं हो रही है। एंड यस मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ कि आई एम अलॉन्ग विथ अ पिलियन एज वेल और जो हमारे साथ पिलियन है उनका वेट 83 kg है मेरा वेट 88 kg है।
सो जो ओवरऑल वेट है वो अराउंड 170 के ऊपर है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने अच्छे से पुल कर रही है इतने वेट के साथ भी, और वो भी अपने सबसे कम पावर वाले राइडिंग मोड में, दैट इज इकोनॉमी मोड. जब मैं इसको चेंज करूंगा तो यू विल सी द डिफरेंस. सो नाउ लेट्स गो ऑन द राइडिंग मोड. जो राइड मोड है इसमें हम करते हैं तो यू विल गेट टू सी द हाउ क्विकली, बहुत ही जल्दी, बहुत ही पंची है व्हाट वी से. इनिशियल पंच बहुत अच्छा होता है, मिड रेंज बहुत अच्छा होता है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ इन दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑल्सो. एक्चुअली आई एम लविंग इट. यू सी ऑन द राइड मोड द टॉप स्पीड इज अराउंड विद टू पीपल, हियर इट इज, इट्स 56. व्हाट एल्स यू वांट. एज आई एम क्रॉसिंग फ्रॉम दिस ह्यूज बम्प, मुझे ऐसा लगा था कि शायद नीचे कुछ टकरा जाए, बट नहीं, बहुत ही आराम से निकली है. जो इसके जो सस्पेंशन है दे आर रियली कैपेबल ऑफ लाइक गेटिंग टू पीपल, टू एडल्ट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई परेशानी नहीं होती है. सो नाउ राइट नाउ आई एम राइडिंग दिस ऑन स्पोर्ट्स मोड, और एक बार एक्सेलरेट करते हैं एंड यू कैन सी हाउ क्विकली दिस एक्चुअली रेव्स लाइक एनी पेट्रोल बाइक. एंड ब्रेकिंग की बात करें, एक्सीलेंट मैन, बहुत ही शानदार ब्रेकिंग है इसकी. सो वन थिंग दैट आई हैव लाइक जस्ट मैंने अभी इसको समझा है कि अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे और अगर आपने स्पीड कम कर ली है, जस्ट गेट बैक टू द राइड मोड, जस्ट गेट बैक टू द इकोनॉमी मोड, क्योंकि वहाँ से आपको पुल ज़्यादा अच्छा मिलता है. जैसे हम अपनी बाइक्स में भी देखते हैं कि अगर आप चौथे गियर पर स्पीड कम हो जाती है तो आप उसको तीसरे या दूसरे गियर पर लगा लेते हो, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी प्रोग्राम किया गया है. बट यस, दिस इज रियली एक्सीलेंट मशीन आई वुड टेल यू. जो द ओनली प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दिस स्कूटर, इज द प्रॉब्लम ऑफ माइंड. ये मेरी परेशानी है, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मुझे लेग स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, अदर देन दैट देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो राइट नाउ आई एम ऑन दिस रोड और ये थोड़ी खाली है, तो हम एक बार इसको एक्सेलरेट करके देखते हैं कि टॉप स्पीड हम कितनी गेन कर पाते हैं. सो मैंने राइड मोड से इसको पिक किया है एंड देन आई विल चेंज द मोड. उल्टा कर दिया था बीच में. द हॉर्न इज ऑल्सो वेरी पावरफुल मैन, इट लुक्स लाइक सम बिग व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड. कोई बम आती है कोई परेशानी नहीं होती है. सो वी विल अगेन ट्राई दैट इन द वॉप मोड. राइट नाउ वी आर इन द वॉप मोड और मैंने यहीं से इसको पुल कर लिया है. सो लेट्स सी, दिस इज डिस्टेंस ऑफ अराउंड 300 to 400 meters एंड लेट्स सी कितनी दूर ये जाती है. ओके, वन थिंग जो मैंने अभी फिर से गौर किया कि जब मैं इसको वॉप मोड पे लोअर स्पीड से आगे ले जा रहा था तो आई फाउंड सम स्टेबिलिटी इश्यूज इन द हैंडल बार. ओके, जब ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है तो इस पे कॉल मैसेज वगैरह स्क्रीन पे दिखेगा. ओके ओके, सीधे चले. एक बार जब फुल चार्ज करते हो तो कभी आपने गौर किया कितने यूनिट बिजली उठता है इससे? ज़्यादा भैया 3 units का आया है. 3 units का फर्क जो हमको दिखता है. हाँ, 500 का फर्क पड़ा है, क्योंकि गेमी इतनी निकलती है. आज आप देख रहे हो खड़ी हो जाएगी तो फिर तो फुल चार्ज का पैसा खुद ही मिलेगा, फिर 1 unit ही लगेगा. मतलब एक बार फुल चार्ज होने पे 3 units के आसपास. 3 units का कंपनी ने बोला है तो अपन उससे ही तो क्लेम करते. आपको कोई खराबी और लगती है इसमें या आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो इससे? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ. जय हिंद.